अकोला, जो कि कॉटन सिटी के नाम से मशहूर है। इसे वाइट सिटी भी कहते हैं, लेकिन अकोला शहर अब रेड सिटी के रूप में पहचाने जाने लगा है। ताज़ा खबर के मुताबिक सरकार की ओर से देश भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की यादी जाहिर हुई है, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, थाने, औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर, सातारा, पालघर, यवतमाल, धुले, जलगांव और अकोला शहर का इसमें रेड जोन में समावेश किया गया है। अकोला का रेड जोन में आने का मुख्य कारण कोरोना वायरस है, जो कि अकोला में जानलेवा और घातक साबित हो रहा है। अब रेड जोन के चलते अकोला शहर में कानून व्यवस्था और भी कड़क कर दी जाएंगी, ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके, लेकिन ये संक्रमण रोकना बहुत ही मुश्किल है। अकोला में आज 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने वाले व्यक्ति खैर मोहम्मद प्लॉट के रहने वाले थे। उनकी अस्पताल लाने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनके गले का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जो आज पॉजिटिव आया है। अन्य एक पेशेंट रामदास पेट में तिलक पार्क के करीब रहते हैं। अन्य 2 पेशेंट कवरराम सोसाइटी में रहते हैं। अभी तक अकोला में 32 कोरोना संक्रमित पेशेंट मिले हैं, जबकि 11 लोग इस संक्रमण से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने के बाद वो लोग अपने घर पर स्वस्थ हैं। इसका ये मतलब है कि कोरोना वायरस से भी बचा जा सकता है, लेकिन इसका इलाज सही वक्त पर कराए तो ये संभव है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी भी व्यक्ति में सर्दी, खांसी या कोरोना के कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो उसकी नज़दीकी शासकीय अस्पताल में जांच कराएं या कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी को उसकी खबर करें, ताकि आप और हम सभी सुरक्षित रहें और अपने शहर को भी सुरक्षित रखें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ।